फिल्म स्टार गोविंदा के पैर में गोली कैसे लगी, यह बड़ा सस्पेंस बना है। गोविंदा 1 अक्टूबर की सुबह कोलकाता जाने के लिए अपने घर से निकलने वाले थे। इसी दौरान उनके पैर में गोली लगने की सूचना मीडिया को उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने दी थी। शशि ने बताया कि गोविंदा ने उन्हें खुद कॉल करके गोली लगने की जानकारी दी। सिन्हा ने बताया रिवॉल्वर कपबोर्ड में रख रहे थे तभी पिस्तौल गिरी और गोली चल गई। अलमारी में रिवॉल्वर रखते समय लगी गोली। गोविंदा के घुटने के नीचे लगी है गोली। गोली निकाल ली गई है। गोविंदा की तबीयत अब ठीक है। मुंबई पुलिस की टीम जांच में जुटी है कि रिवॉल्वर से आखिर गोली कैसे चली। फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा जी ने एक ऑडियो क्लिप भेजा है, वो अब ठीक है और उन्होंने धन्यवाद किया है डॉक्टर अग्रवाल का जिन्होंने उनके पैर से बुलेट निकाला है। और सभी जो गोविंदा के फैंस हैं उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और सभी के शुभकामनाएं गोविंदा जी के स्पीडी रिकवरी के लिए शिवसेना की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से हम देते हैं।